हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तिका झिलमिल से पाठ नंबर 14, यह मेरा हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए देखें। प्रश्न नंबर 1, हमारे देश का क्या नाम है? भारत, चीन, अमेरिका या पंजाब? बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत, तो इसका सही उत्तर क्या है? अगला है प्रश्न नंबर 2, हमारे राज्य का क्या नाम है? चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा या अंबाला? बच्चों, हमारे राज्य का नाम हरियाणा है, तो इसका सही उत्तर गए हरियाणा। अगला है प्रश्न नंबर 3, हरियाणा के लोगों का पहनावा कैसा है? सीधा सादा, रंग बिरंगा, उल्टा सीधा या अच्छा? बच्चों, हरियाणा के लोगों का पहनावा सीधा सादा है। प्रश्न नंबर 4, यहाँ के लोग कैसे हैं? लड़ाकू, झगड़ालू, हट्टे कट्टे या कमजोर? और इसका सही उत्तर है गै हट्टे कट्टे, यहाँ के लोग हट्टे कट्टे हैं। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? दूध मलाई, खीर पूड़ी, रसमलाई या दूध दही? बच्चों, इसका सही उत्तर है घे दूध दही। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 6, हरियाणा के छोरे कैसे हैं? डरपोक, कायर, मर्द मुछैल या हठी? और इसका सही उत्तर है घे मर्द मुछैल। प्रश्न नंबर 7, पनघट शब्द का क्या अर्थ है? पांच घड़े, बादल, पानी भरने का स्थान या पहाड़? बच्चों, इसका सही उत्तर है गै पानी भरने का स्थान, जिसे हम पनघट कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8, नीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जल, पानी, नया या वारी? बच्चों, इन चारों में से ग भाग जो है नया, वह नीर का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 9, खेत कमाने का क्या अर्थ है? खेत में काम करना, पैसे कमाना, खेत खरीदना या खेत में पानी देना? और इसका सही उत्तर है क खेत में काम करना। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा के लोगों की पगड़ी कैसी है? पैंचों वाली, घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी या उल्टी सीधी? बच्चों, इसका सही उत्तर है क पैंचों वाली। प्रश्न नंबर 11, अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया? संजय ने, भीम ने, कृष्ण ने या धृतराष्ट्र ने? और इसका सही उत्तर है गए कृष्ण ने। अगला है प्रश्न नंबर 12, अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया गया? पानीपत, कुरुक्षेत्र, दिल्ली या हरिपुर? इसका सही उत्तर है खे कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 13, पांडवों में सबसे बलशाली कौन था? अर्जुन, नकुल, भीम या सहदेव? बच्चों, पांडवों में सबसे बलशाली भीम था। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा की स्त्रियां कैसी हैं? शर्मीली, आलसी, घूंघट वाली या साड़ी वाली? और इसका सही उत्तर है गै घूंघट वाली। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 15, पाठ में खेत में काम आने वाले कौन से औजार का प्रयोग किया गया है? कस्सी, हल, गंडासा या मंडासा? और इसका सही उत्तर है खे हल। प्रश्न नंबर 16, पाठ में प्रयुक्त छोरे शब्द का क्या अर्थ है? लड़का, वृद्ध, लड़की या छाल? बच्चों, छोरे शब्द का अर्थ होता है लड़का, तो इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न नंबर 17, हरियाणा में कितने जिले हैं? 21, 22, 20 या 18? बच्चों, इसका सही उत्तर है खे 22। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। प्रश्न नंबर 18, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? पलवल, मेवात, चरखी दादरी या इनमें से कोई नहीं? बच्चों, इसका सही उत्तर है गै चरखी दादरी। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 19, पूरा करो। भीम बली से वीरों वाला,
डैश गीता का उपदेश दिया जो सुना सभी ने जाना। और इसके विकल्प हैं मार मडासा खेत कमावे, गले तबीजी काले डोरे, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, या अर्जुन के से तीरों वाले। और इसका सही उत्तर है घ, अर्जुन के से तीरों वाला, भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन के से तीरों वाला। अगला है प्रश्न नंबर 20, गलत युगम छाटो। वीर औरत पनघट पानी भरने का स्थान, बाणा तीर उपदेश सीख। बच्चों इन चारों में से हमें गलत युगम को छाटना है। केवल क, केवल ग, केवल घ या केवल ख। और इसका सही उत्तर है ख भाग केवल ग, यानि बाणा तीर। ये जो है ये गलत युगम है। तो बच्चों ये थे पाठ नंबर 14, यह है मेरा हरियाणा से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी बच्चे इन प्रश्नों को रिवाइज करें, इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।